तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने जो गार्लिक सीड ग्रो किया था इतना बड़ा हो गया ऑलरेडी। मैं यहाँ से एक दो बार हार्वेस्ट किया हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो देखिए फ्रेंड्स, ये है गार्लिक सीड। जो गार्लिक सीड होता है उसका इस तरीके का जड़ होता है, देखिए। तो इन्हीं लोग को हमको ग्रो करना होता है। मैंने ये मेरा दूसरा वाला जो पॉट्स हैं वो वहाँ से खाली कर दिया, और अब मैं ये दोनों छोटा छोटा पॉट में ग्रो करूँगी। ये इसका लीफ जो है उससे एकदम गार्लिक का जैसे ही फ्लेवर आता है। तो ये हर्ब्स है, तो चलिए इसको ग्रो करते हैं। यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पे मिट्टी भर दिया, और अब हम इसके तरह से देखिए जड़ ऐसा रख देंगे। इस तरह से मैंने दोनों में इस तरह से रख दिया, देखिए। अब हम इसमें ऊपर से ऐसे मिट्टी भर के मिला देंगे। फ्राई राइस वगैरह बनाना है या कुछ भी, ये ऐसे ही नॉर्मली पोटैटो के साथ भी फ्राई करके खा सकते हैं, और किसी के साथ भी जैसा प्याज का पत्ते खाते उसी तरह से इसको भी खा सकते हैं। और ये बहुत हेल्दी है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है ये। तो देखिए, अब मैं इसमें पानी दे दूँगी, थोड़ा दबा देंगे। अब हम इसमें पानी देंगे। तो देखिए, ये दोनों में डाल दिया, यहाँ पर थोड़ा जड़ निकला, सब जड़ को अंदर कर देते। तो देखिए गार्लिक चिप, इसका चटनी भी खा सकते हैं, जैसा लहसुन का पत्ता का खाता है उसी तरह। सो फ्रेंड्स देखिए, मैंने जो गार्लिक सीड ग्रो किया था इतना बड़ा हो गया ऑलरेडी। मैं यहाँ से एक दो बार हार्वेस्ट किया हूँ, तो देखिए इतना बड़ा हो गया। और यहाँ एक जो है ये ख़त्म हो गया, ये पूरा मर गया, ये देखिए। तो यहाँ तीन बचा है, और इस वाले में भी मेरा यहाँ देखिए एक ही बचा है। तो बाकी जितना भी था वो सब देखिए इस तरह से ख़त्म हो गया। तो बस तीन चार ही मेरा अभी बच पाया है। तो इसमें मैंने ब्रोकली का सीड लगा दिया हूँ। मुझे लगता है ये मेरा ब्रोकली का ही सीड था, तो मैं लगा दिया हूँ, देखते हैं क्या निकलेगा। यहाँ पे मेरा ये लास्ट ईयर का ब्रोकली, कुछ दिन पहले हार्वेस्ट किया, तो मैं नया सीड लगा दिया। अभी इनको भी ये हार्वेस्ट करके पूरा निकाल देता हूँ जड़ से। तो देखिए, आज मैं इसको भी हार्वेस्ट कर लूँगा। एक तो पत्ता है, थोड़ा उसके लिए चाहिए मुझे। देखिए ये हल्का थोड़ा सा होने से ही काम चल जाएगा इससे। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स? अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और यहाँ से फिर नया लीफ आ जाएगा मेरा। तो देखिए, ये चटनी बनाने के लिए ये इनफ है। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग, बाय बाय। यहाँ पे भी देखिए मेरा ये प्याज का वो है, ये भी थोड़ा उठा लेता हूँ। और यहाँ देखिए छोटा छोटा ये आइसक्रीम वाला जो आता है उसमें मैंने
ये ग्रो किया ग्रीन ऑनियन, तो बहुत अच्छे से ग्रो हुआ है। मैं इसी तरह कुछ ना कुछ ग्रो करते रहता हूँ, तो मेरे को जब भी मैं कुछ बनाता हूँ तो यहीं से ले लेता हूँ। तो थैंक यू फ्रेंड्स।